इंदौर रोड कांग्रेस के 3 दिनी अधिवेशन में अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञ अपनी रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव और मुख्य इंजीनियर ने प्रेस वार्ता में इस पूरे आयोजन के विषय पर चर्चा की। इंडियन रोड कांग्रेस के आयोजन को लेकर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि 3 दिनों तक रोड सेक्टर के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। आयोजन में 2000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इसमें करीबन 2000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है, जिसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी एक्सपर्ट्स, इसमें कंसल्टेंट्स वगैरह, ये लोग जो हैं सब शामिल होते हैं जो रोड्स एंड ब्रिज के एक्सपर्ट्स हैं। और इसमें 3 दिन तक लगातार सेशंस चलते हैं, जिसमें टेक्निकल पेपर्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बेसिस पर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। अधिकारी ने माना कि देश में एक्सीडेंट के लिहाज से फिलहाल सड़कें काफी खतरनाक हैं। इस अधिवेशन में रोड सेफ्टी को लेकर भी प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम का डेमो होगा। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, और पीएस सर ने जो अभी सर अपना जो एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम का हुआ है, तो ये एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उसका डेमोंस्ट्रेशन यहाँ होगा, आप लोगों को दिखाया जाएगा। वो एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम है, तो उसमें यह है कि जितना हम अपने बाकी तरीकों से रोक सकते हैं एक्सीडेंट्स, वो तो ठीक है, किंतु उसके बाद जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो विक्टिम है, जो एक्सीडेंट में जो आदमी जिसको चोट आई है उसको तत्काल सहायता मिल सके, इसकी व्यवस्था की। वहीं पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए रोड निर्माण की तकनीक में किस तरह से सुधार हो सकता है, इस पर भी प्रमुख अभियंता में अपने विचार रखेंगे। पर्यावरण को लेकर देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो यह है कि जो रोड हम बनाते हैं तो गिट्टी खोदते हैं, हम जमीन में से पत्थर निकालते हैं, उसकी गिट्टी बनाते हैं। अब ये प्रक्रिया मतलब बिल्कुल सतत तो चल नहीं सकती सालों साल तक, नहीं तो जगह जगह हम बहुत सारे गड्ढे बना देंगे, तो डिग्रेडेशन तो हम चाहे अर्थ का कर रहे हैं या एनवायरमेंट का कर रहे हैं। तो ये कोशिश की जा रही कि कम से कम मटेरियल इस तरह का लगे जिससे कि हम रोड बना सकें, तो इसके लिए स्टेबलाइजेशन की टेक्निक्स आई हैं, तो वो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गई बात की। अगर हम 50% अपनी गिट्टी बचा सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में उसी स्ट्रेंथ की रोड बनाने में, तो वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली बात हो गई। दूसरी, बहुत रिसाइकिलिंग का प्रोसेस है, अभी बाहर तो ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, यहाँ तो अच्छी बात है कि इंदौर शहर के अंदर कंक्रीट की सड़कें बना दी हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। किंतु जिन शहरों के अंदर डामर की सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आप हर साल उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बिछाते हैं, फिर दोनों तरफ की बिल्डिंग्स हैं वो नीची हो जाती हैं, उनमें पानी भरता है, मटेरियल एक्स्ट्रा लग रहा है वो अलग है, और प्रॉब्लम हो रही लोगों को वो अलग है। तो उसमें रिसाइकलिंग करते हैं कि उसी मटेरियल को वहीं पर वो इस तरह से उसमें रोल चलते रहते हैं व्हील्स, जो उसको पूरे मटेरियल को उखाड़ लेते हैं और फिर मिक्स हो जाता है, और उसी के अंदर हम एडिशनल बिटमेन या गिट्टी डाल के उसी मटेरियल को वापस से बिछा देते हैं। इस तरह इंडियन रोड कांग्रेस के 3 दिनी अधिवेशन में इस तरह के कई विषयों पर चर्चा हो रही है। वहीं विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर IRC के कोच भी निर्धारित किए जाएंगे। अधिवेशन के अंतिम दिन रोड कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।